कोई अन्य धर्म का, कोई अन्य संप्रदाय का व्यक्ति किसी अन्य नाम से कोई होटल ढाबा खोला हुआ है, जिसको लेके आपस में हमेशा दिक्कतें आती रही हैं। योगी आदित्यनाथ में अगर हिम्मत है तो रिटर्न ऑर्डर निकाल के बताओ हमारे को इसके बारे में। जो भी दुकान है, होटल है, ढाबे हैं, इस सब पे उसका जो प्रोप्रेटाइटर हो, जो उसका मालिक हो, उसका नाम बड़े बड़े अक्षरों में साफ सुथरा इंगित हो। ये मुसलमानों को सेकेंड ग्रेड सिटीजन बनाना चाहते हैं उत्तर प्रदेश में, पूरे देश में। सभी से बातचीत हो गई है, सभी होटल ढाबे जितने हैं सभी से इसकी आम सहमति बन गई है और पूरे कांवड़ के हमारे जो मार्ग है इसको लेते हुए निर्णय किया गया है। इतनी नफरत क्यों है बीजेपी को मुसलमानों से? आपकी संविधान की ड्यूटी निभाई है ना आप। जैसा कि पूर्व में ये मामले सामने आए हैं कि कांवड़ में जो कांवड़िए आते हैं, कई जगह रेट लिस्ट को लेकर होटल और ढाबों पे विवाद हुआ खाने वाली चीज़ों को लेकर। इसके अलावा कुछ मुद्दे ये उठते रहे कि कोई नॉनवेज किसी दुकान पे है या कोई अन्य धर्म का, कोई अन्य संप्रदाय का व्यक्ति किसी अन्य नाम से कोई होटल ढाबा खोला हुआ है, जिसको लेकर आपस में हमेशा दिक्कतें आती रही हैं। उसके देखते हुए निर्णय लिया गया था कि जो भी दुकान है, होटल है, ढाबे हैं, इस सब पे उसका जो प्रोप्रेटाइटर हो, जो उसका मालिक हो, उसका नाम बड़े बड़े अक्षरों में साफ सुथरा इंगित हो, दुकानों पर रेट लिस्ट लगाई गई हो, साथ ही वहाँ जो कार्य करते हों कर्मी उनका नाम इंगित हो, ताकि किसी प्रकार की कोई समस्या ना उत्पन्न हो और जो भी व्यक्ति जाता है उसके सामने सबकी पहचान सुनिश्चित हो। जानबूझकर भी कोई विवाद उत्पन्न करना चाहता हो तो वो भी ना कर सके और अपना नाम छिपाकर कोई अन्य तथ्य रख के लोगों को कोई भ्रमित ना कर सके, इसको लेते हुए निर्णय लिया गया था और इसमें सभी से बातचीत हो गई है। सभी होटल ढाबे जितने हैं सभी से इसकी आम सहमति बन गई है और पूरे कांवड़ के हमारे जो मार्ग है इसको लेते हुए निर्णय किया गया है। तो उत्तर प्रदेश की सरकार अनटचेबिलिटी को प्रमोट कर रही है, इस तरह का ऑर्डर देकर के नाम रखना और अपने रिलीजन का इजहार करना बताना, ये आर्टिकल 21 राइट टू लाइफ का भी वायलेशन है और आर्टिकल 19 राइट टू लाइवलीहुड का भी ये वायलेशन है। दूसरी बात ये है कि जब से वो उत्तर प्रदेश की सरकार ने ऑर्डर दिया है, मुजफ्फरनगर में जितने ढाबे हैं उन ढाबों से मुस्लिम एम्प्लॉयज को निकाल दिया गया है। तीसरी बात यह है कि उस हाईवे के ऊपर मैकडोनल्ड है, केएफसी है, पिज़्ज़ा हट है, आपके कैफे कॉफ़ी डे है, उसके ऊपर क्यों नहीं बोल रहे हो लोग? उनसे क्या कुछ बातचीत हो गई क्या आपकी? पांचवी बात यह है कि ये जो ऑर्डर है उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार का, ऐसा दिख रहा है कि हिटलर की रूह उनमें समा चुकी है। ये क्रिस्टल नाट मूवमेंट लग रहा है। हिटलर भी एक जूडन बॉयकॉट करते थे, इस तरह का बॉयकॉट हो रहा है उत्तर प्रदेश की सरकार की तरफ से। भाई आप होते कौन हैं ये करने वाले? क्या एक यात्रा का इतना उनको आप इम्पोर्टेंस देंगे और दूसरों की लाइवलीहुड को बर्बाद कर देंगे आप? आप क्या एक ही समुदाय के लिए कि उसके लिए काम करेंगे? कॉन्स्टिट्यूशन कहाँ गया फिर? कॉन्स्टिट्यूशन क्या कहाँ चलेगा? कचरे के बिन में चलेगा कॉन्स्टिट्यूशन? फिर मोदी जी संविधान को उठा के चूमते, ये सब नाटक ड्रामा हो रहा है। तो ये स्टेट की तरफ से हिंदुत्व की जो तंजीमें हैं, ऑर्गेनाइजेशन है, उनके प्रेशर में आकर ये बोला जा रहा है कि आप मुसलमान की दुकानें मत जाओ। क्या है ये, किस लिए हो रहा है? आप उनको आइडेंटिफाई कर रहे हैं, ये हिंदू की दुकान है, ये मुसलमान की दुकान है, इसका नाम अबू बकर है, इसका नाम अली है, इसके पास मत जाओ आप। ये क्या है ये? और आखिरी बात ये है कि मैं चैलेंज कर रहा हूँ, रिटर्न ऑर्डर निकालो आप। योगी आदित्यनाथ में अगर हिम्मत है तो रिटर्न ऑर्डर निकाल के बताओ हमारे को इसके बारे में। क्लियर डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है मुसलमानों से, ये कॉन्स्टिट्यूशन की, संविधान की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। हमने आर्टिकल 17 के जरिए अनटचेबिलिटी खत्म की, आप अनटचेबिलिटी ला रहे हैं, आप राइट टू लाइफ के खिलाफ है, राइट टू लाइवलीहुड के खिलाफ है। तो ये क्लियर कट डिस्क्रिमिनेटरी ऑर्डर है और ये बताता है कि ये मुसलमानों को सेकेंड ग्रेड सिटीजन बनाना चाहते हैं उत्तर प्रदेश में, पूरे देश में। और पूरा जो लाजर इनका स्कीम है उसका ये इम्प्लीमेंटेशन हो रहा है और मुजफ्फरनगर के ढाबों से पूरे मुस्लिम एम्प्लॉयज को निकाल दिया गया है। आप ही के टीवी, एक दूसरे टीवी चैनल की रिपोर्ट है आपके, निकाल दिया गया है। बताइए क्या कर रहे हैं आप, क्यों जुल्म कर रहे हैं साहब? इतनी नफरत क्यों है बीजेपी को मुसलमानों से?
आपकी संविधान की ड्यूटी निभाइए। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।